अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास टू का मैथ यूनिट 5 डिवीजन करेंगे। पेज है 85 जिस पर लिखा हुआ है लॉन्ग डिवीजन कंप्लीट दीज इन योर नोटबुक। तो हम यहीं पे कर लेंगे। 5 के टेबल पे हमने देखना है 15 कितने टाइम आता है। तो यहाँ अगर हम 5 का टेबल लिखें, 5 1 5 5 2 10 5 3 15, तो इट्स मीन 5 के टेबल पे 15 जो है वो 3 टाइम आता है। तो हम यहाँ पे 5 3 15 लिख देंगे। ये वाला 3 हम ऊपर लिखेंगे, ये वाला 15 यहाँ लिखेंगे और यहाँ हम माइनस करेंगे। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 5 में से 5 0। तो रिमाइंडर हमारे पास, ये जो हमारे पास ऊपर आया है ये क्वेश्चन होता है, जो नीचे हमारे पास माइनस होकर आता है वो रिमाइंडर। इसी तरह अब हमने देखना 7 के टेबल पर 14 कितने टाइम आता है। तो 7 1 7 7 2 14, इट्स मीन ये वाला 2 हमने ऊपर लिखना है, ये वाला 14 यहाँ लिखना है और इसको कर देना है माइनस। तो 0 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमने देखना है 6 के टेबल पर 24 कितने टाइम आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 6 1 6 6, 2 12, 6 3 18, 6 4 24। तो इट्स मीन 6 4 24 आएगा, तो माइनस करेंगे 0 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 8 के टेबल पर 16 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, 8 2 16। तो यहाँ पे लिखा और ये हमारे पास आंसर आ गया। 3 के टेबल पर 12 4 टाइम आएगा, 3 4 12, 0 रिमाइंडर माइनस करके। 3 के टेबल पर 24 कितने टाइम आएगा, 3 8 24, तो 0 रिमाइंडर आ गया। अब 5 के टेबल पर 25 कितने टाइम आएगा, 5 5 25, 0 रिमाइंडर। 9 के टेबल पर 27 कितने टाइम आएगा, 9 3 20 7, 0 रिमाइंडर। 3 के टेबल पर 18 कितने टाइम आएगा, 3 6 18, 0 रिमाइंडर। 4 के टेबल पर 28 कितने टाइम आएगा, 4 7 28, 0 रिमाइंडर माइनस करके। 9 के टेबल पर 36 9 4 36, 0 रिमाइंडर आ गया। 5 के टेबल पर 5 8 40, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट देखें, 6 के टेबल पर 36 6 6 36, इस तरह से हम लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0 रिमाइंडर। 5 10 50, 0 रिमाइंडर। 5 10 के टेबल पर 60 10 6 60, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। 9 के टेबल पर 45 9 5 40, 0 रिमाइंडर। 8 के टेबल पर 32 8 4 32, 0 रिमाइंडर। 2 के टेबल पर 18 2 9 18, 0 रिमाइंडर। 7 के टेबल पर 35 7 5 35, 0 रिमाइंडर। 5 के टेबल पर 35 6 30, 0 रिमाइंडर। 7 के टेबल पर 42 7 6 42, 0 रिमाइंडर। 8 के टेबल पर 8 6 48, 0 रिमाइंडर। 6 5 6 5 6 9 54, 0 रिमाइंडर। 4 के टेबल पर 24 5 20, 0 रिमाइंडर। हमारा पेज 85 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम पेज 86 सॉल्व करेंगे। डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम, राइट दी डिवीजन्स एंड फाइंड दी आंसर इन ईच केस। क्वेश्चन 1 है, राइट दी डिवीजन्स एंड फाइंड दी आंसर इन ईच केस है। तो ए पार्ट है, 30 ट्रीज आर प्लांटेड इन रो ऑफ 6। 30 ट्रीज जो हैं वो प्लांट किए गए हैं 6 रोज में। हाउ मैनी रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। तो हमने 30 को अंदर रखना है और 6 से डिवाइड करना है। 6 5 30, तो यहाँ पर 5 रोज, मीन्स के हर रो में 5 जो हैं प्लांट किए गए हैं ट्रीज। नेक्स्ट देखें, 60 पेंसिल्स आर पुट इनटू पैकेट्स ऑफ 10। 60 पेंसिल जो हैं वो डाली गई हैं 10 पैकेट्स में। तो हाउ मैनी पैकेट्स आर मेड। तो वो पूछ रहे हैं कितने पैकेट्स बनेंगे। तो हम 60 को अंदर रखेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 6 60, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया। नेक्स्ट देखें, 48 चिल्ड्रन आर डिवाइडेड इनटू टीम ऑफ 8। 48 स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं और उनको 8 ग्रुप्स में, टीम्स में डिवाइड किया गया। हाउ मैनी टीम्स आर मेड। तो उन्होंने पूछा कितनी टीम्स बनेंगी। तो 48 को अंदर रखेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। अब हमने देखना है कि 8 के टेबल पे 48 कितने टाइम आता है। तो 8 6 48, 0 रिमाइंडर आ गया। तो इट्स मीन यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें,
यहाँ पे है आसिम हैज़ 27 एग्स, ही पुट्स देम इक्वली ऑन 3 ट्रेज। उन्होंने कहा 27 एग्स हैं और 3 ट्रेज में उसने इक्वली पुट किया। हाउ मैनी एग्स आर देयर ऑन ईच ट्रे, तो ईच ट्रे में हमने बताना है कितने एग्स पुट किए, तो 27 अंदर रख के 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है 32 समोसाज आर टू बी शेयर्ड इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन, तो इस 32 समोसाज हैं और 8 चिल्ड्रन हैं, तो उन्होंने कहा है कि उसको शेयर करना है इक्वली हर चिल्ड्रन के साथ, तो उसमें हाउ मैनी समोसाज ईच, तो हर बच्चे को कितने मिलेंगे, तो 32 को अंदर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 फोर जा 32, 0 रिमाइंडर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी के साथ हमारा पेज 86 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।